सामाजिक न्याय समानता और लोकतंत्र के पक्ष में खासतौर पर नेपाल किस गाड़ी में क्रियाशील दो संगठन साउथ एशिया डायलॉग ऑन इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी और सेंटर फॉर सोशल स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज और इसके साथ जुड़े तमाम संगठन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता नेपाली कांग्रेस के नेता संविधान सभा के माननीय सदस्य पूर्व एमपी और नेपाल के संदर्भ में एक समाजवादी आंदोलन के थिंक टैंकर माने जाने वाले माननीय प्रदीप गिरी हमारे साथ नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन से जुड़े हुए आंदोलन के हमदर्दी भाई विजय प्रताप जी भारत में सर्वाधिक बिक्री होने वाली सर्वाधिक पाठकों के प्रिय पत्रिका दैनिक भास्कर के ग्रुप एडिटर भाई श्रवण गर्ग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डीपी त्रिपाठी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों से आए हुए विद्वान साथियों प्रवासी नेपाली संघ भारत के अध्यक्ष और यहाँ सहभागी विभिन्न संघ संस्था के प्रतिनिधि साथी हूँ। आज हम एक संयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए विशिष्ट महानुभाव अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं हम नेपालियों की लोकतांत्रिक आंदोलन से जुड़े हुए तमाम घटनाओं के हमदर्द हम सफर पत्रकार विशिष्ट व्यक्तित्व दैनिक भास्कर ग्रुप के एडिटर आदरणीय विजय गर्ग जी को श्रवण गर्ग जी को अनुरोध करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम को अध्यक्षता करें चेयरिंग करें। धन्यवाद युवराज जी, मैं गिरी साहब का स्वागत करता हूँ और विजय प्रताप का विशेष स्वागत करता हूँ, वो भी कारण बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान इस समय अपने माओवादियों से लड़ने में लगा हुआ है। हिंदुस्तान की राजनीति इस समय इस बात में उलझी हुई है कि छत्तीसगढ़ और तमाम जगह पर माओवादी जिस तरह से निरीह लोगों को मार रहे हैं उससे कैसे निपटा जाए, और कांग्रेस पार्टी और यूपीए में काफी इसको लेकर विरोधाभास है। अखबारों के पन्ने केवल इसी चीज से भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश के अहाते, जैसा सहगल साहब ने कहा, नेपाल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके अहाते में कुछ हो रहा है और भारत में कोई हलचल नहीं है, उसको लेकर कोई सुबुगाहट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। मैं जयप्रकाश नारायण जी के साथ बहुत सालों रहा हूं और जब पटना में मैं उनके साथ 74 में काम करता था, उसके बाद भी उनके साथ जुड़ा रहा, तो नेपाली कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उस समय डीपी कोइराला और तमाम जीपी कोइराला, उनसे मिलते रहते थे। तब से मैं नेपाली कांग्रेस के साथ एक आत्मीय संबंध मेरा है। विजय प्रताप का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि नेपाल को लेकर जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है हिंदुस्तान में, उसको वो यहाँ उपस्थित करते हैं और एक वैचारिक चर्चा लोगों के साथ करवाते हैं, जिससे नेपाल को लेकर हमारी चेतना लगातार बनी रहे। आप अगर हिंदुस्तान के अखबारों को देखें, टेलीविजन को देखें, रेडियो को देखें, नेपाल को लेकर कोई चर्चा नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं मतलब इसको काफी
हम पाकिस्तान को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं कि उसकी हर घटना हमारे जिंदगी के लिए जीने और मरने का सामान बनी हुई है, जबकि पाकिस्तान को लेकर ऐसी कोई हालात अभी नहीं है कि कोई लड़ाई चल रही हो या हमारे रिश्तों में कुछ बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आ गया हो, पर नेपाल हमारा इमीडिएट, हमारे देश का, हमारी देश की जनता का और लाखों की संख्या में हिंदुस्तान में रह रहे नेपालियों की सांसों के साथ काठमांडू की सड़कें जुड़ी हुई हैं। पर हमारे यहाँ उस तरह की चीज राजनीतिक दलों की बेईमानी के कारण, विरोधी दलों की बेईमानी के कारण, एक जमाना था जब चंद्रशेखर और तमाम लोग समाजवादी आंदोलन के बड़े बड़े लोग नेपाल के साथ आत्मीयता के साथ जुड़े हुए थे और पार्लियामेंट में एक बड़ी लॉबी थी नेपाल को लेकर जो उसको मुस्लिम को उठाती थी। आज अंदरूनी तौर पर चाहे साउथ ब्लॉक में कुछ चल रहा हो, कुछ नेताओं से मुलाकात हो रही हो, पर ऊपरी तौर पर भारत सरकार के नेपाल के प्रति कंसर्न उस प्रकार से व्यक्त नहीं हो रहे हैं जैसे कि होना चाहिए, न ही विरोधी पक्ष के। इसलिए इस तरह की गोष्ठियां जो विजय प्रताप कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। गिरी साहब को स्वागत करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के न सिर्फ एक सम्मानित सदस्य हैं, नेपाल के मामलों पर उनकी महत्वपूर्ण पकड़ है, नेपाली कांग्रेस के नेता हैं और नेपाल की आंतरिक स्थिति को समझते हैं। नेपाल किस दिशा में जा रहा है और अगर वो जा रहा है तो सही दिशा है क्या, उसके साथ नेपाल की जनता का भाग्य किस तरह से जुड़ा हुआ है, और 7 दिन बाद 8 दिन बाद जब ये संविधान सभा की डेडलाइन समाप्त हो जाएगी संविधान को लिखने की, तब नेपाल में किस तरह की स्थितियां होंगी, माओवादियों के अंदर जिस तरह के विरोधाभास व्यक्त हो रहे हैं प्रचंड को लेकर हो रहे हैं, उनके नेतृत्व को लेकर हो रहे हैं और भारत के प्रति विरोध को लेकर हो रहे हैं, क्या नेपाल की जनता उसको स्वीकार करना चाहती है क्या, या नेपाल की पार्टियां माओवादियों की शर्त पर केवल इस नाते कि उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी स्पेस देने को तैयार है क्या, और क्या नेपाल में अगर कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम होता है, राजनीतिक घटनाक्रम होता है, तो उसमें लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए जगह कितनी बचने वाली है और बचेगी भी कि नहीं, और वो अगर जगह बचती है तो उसमें भारत में भारत के साथ रिश्ते और भारत की लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ वहां की लोकतांत्रिक शक्तियों के जो रिश्ते आज कायम है वो किस हद तक कायम रह सकेंगे। तो मैं गिरी साहब से निवेदन करता हूँ, त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में हैं और तमाम मित्र यहाँ मौजूद हैं, तो गिरी साहब हम लोगों का शिक्षण करें, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को अंदर से जानते नहीं है, इसलिए उनसे निवेदन है कि वो एक शिक्षक की तरह हमको बताएं कि हमारा सोच किस तरह का होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपने जिस तरह समस्याओं को नेपाल की पेचीदी समस्याओं को रखा उसे मेरा पशु मेरी उलझन काफी कम हो गई है, क्योंकि जब मेरे भाई विजय प्रताप मुझे काफी दिनों से कहते रहे कि आप आइए एक बार दिल्ली में आके इस अभी की समकालीन समस्या बोलिए, मैं दिल्ली दो महीने तीन महीने में आता ही रहता हूँ, मेरे बगल में बैठे त्रिपाठी जी मेरे लगभग 40 साल पुराने मित्र हैं, जब 3 दिनों इलाहाबाद में पढ़ते थे, बाद में जे एन यू में आए, बाद में हमारे राहुल बरुआ जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मित्र भी हैं, और विजय प्रताप जी का क्या कहना, तमाम लोग सबको मैं जानता हूँ, यहाँ अधिकांश लोगों को नाम कहने का मतलब नहीं है, मैं संकोच में था मगर फिर भी मैं कहता था अनौपचारिक बातें आप लोगों से होती रहती है, क्या आवश्यकता है जाकर के 20 आदमी के लिए बात करने की। आज इस बार मुझे लगा जो हालात नेपाल में हैं, हिंदुस्तान में हैं, और जैसे जैसा अभी आपने फरमाया, अध्यक्ष जी ने फरमाया कि हिंदुस्तान खुद अपने माओवादी समस्याओं से आशंकित और आतंकित है, अगर आक्रांत नहीं है तो आशंकित और आतंकित तो है ही, ऐसे हालात में मुझे लगा कि माओवाद पर न सिर्फ नेपाल की दैनिक समस्याओं को चर्चा लेकर लेकिन उसके जो अच्छे बुरे जो आयाम हैं उस पर भी चर्चा हो, तो ये एक ठीक समय है, तो मैंने इसलिए विजय प्रताप जी को
धन्यवाद देती हुई आने आना चाहा और आया। सच कही तुम इसी के लिए प्रकाश इस बार आया था। अभी समस्या को बात इस पर चर्चा करते समय कहां से बात किया जाए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मगर अध्यक्ष जी के द्वारा दिए गए सूत्रों को पकड़ते हुए मैं सबसे पहले आज नेपाल की समस्याओं को संक्षेप में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ बताना चाहूंगा। नेपाल में आज से करीब 20 साल पहले, और वहां चंद्रशेखर जी बड़े सक्रिय थे, त्रिपाठी जी की भी बड़ी अहम भूमिका थी, उन्हीं दिनों से, उससे पहले से भी थी मगर उन दिनों थी, राजीव गांधी जी यहाँ सबसे कद्दावर नेता थे, उनकी प्रधानमंत्री तो नहीं रह गई थी मगर सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे। हमारे यहाँ 1990 में लंबे राजाशाही के बाद जो लोकतंत्र की बहाली हुई और हमने एक तरह का संसदीय ढांचा विलायत और भारत से मिलकर ढांचा स्वीकार किया। हमें सबको याद है, कम से कम जो उस दौर में थे, जवान हो चुके थे, कि सोवियत यूनियन के विघटन के साथ पूरी दुनिया में एक पूरी विचारधारा की लड़ाई खत्म हो गई। बहुत पहले भी एक जमाने में किसी सज्जन ने एक विचारधारा का अंत करके अमेरिका के एक विद्वान ने लिखा था, एंड ऑफ आइडियोलॉजी कर दिया। उसी शैली में इस बार तो अब एंड ऑफ आइडियोलॉजी नहीं, एंड ऑफ हिस्ट्री, ऐसा ही कुछ कहा जाने लगा, इतिहास का अंत हो गया। अब करने को कुछ बचा ही नहीं है, अब तमाम चीजें बाजार व्यवस्था कर लेगी। मेरा ख्याल है इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत जरूरी है, ताकि हम माओवाद के शक्ति और कमजोरी दोनों को समझ सके। उस दौर के बाद नेपाली कांग्रेस को भी समझिए, नेपाली कांग्रेस एक पुरानी समाजवादी पार्टी रही है और इसका समाजवाद करीब करीब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही समाजवाद रहा एक प्रकार से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हुए बहुत सारा नेपाली कांग्रेस के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सिद्धांततः और दलगत रूप में हम लोग उस समय पीएसपी के करीब थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के करीब। मैं इसलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नाम उल्लेख कर रहा हूँ, नेपाली कांग्रेस के लोहियावादी लोगों से अच्छे संबंध कभी भी नहीं रहे, जयप्रकाश जी से रहे, लेकिन जयप्रकाश जी का वो दौर नहीं जब वो शर्मोदय हो रहे थे। जयप्रकाश और बीपी कोरला के पारिवारिक संबंध थे, ये प्रभाव अलग रहा। जयप्रकाश जी की शख्सियत का, उनके नैतिक आग्रह का हम सब लोगों ने बहुत उसको नजदीक से देखा, इज्जत किया और उससे बड़ी प्रेरणा ली। मूलतः हमारी सोच वही नेहरू पीएसपी वाली सोच थी। उस पर 1990 के एंड ऑफ हिस्ट्री के बाद, एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बाद हमारी पार्टी मुकम्मल विश्व बाजार व्यवस्था की एक सम्मानित सदस्य होने के लिए तुल गई। ये जानना बड़ा जरूरी है कि अब न स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको कुछ करना है, न शिक्षा के क्षेत्र में हमको कुछ करना है, अब जो कुछ करना है बाजार ही करेगी। 1990 की डेमोक्रेसी को समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। अधिक से अधिक बहुत अगर जानदार हैं और शानदार हैं तो आप कह देते थे कानून का शासन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी। अब इसके जो वैचारिक परिणाम होते हैं मुझे आपको नहीं बताना है, आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, पर इसका एक परिणाम ये होता है कि कहीं गांधी फिर विमर्श में नहीं बच जाते हैं जन्म शताब्दी और वर्ष शताब्दी बनाने के, अरे वो तो पुरानी चीजें तक हुई है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ हमारी पार्टी इसी मनस्थिति में 1990 के बाद सरकार में पहुंची, ये बताना बड़ा जरूरी है। और लग रहा था कि एकदम स्वर्ण युग आ गया। अब उसकी कुछ मजबूरियां भी थी, मजबूरियां आई थी कि हम बिल्कुल नई आर्थिक नीति नहीं शुरू कर सकते थे, हमारे पार्टी के पास पुराने रिजीम का दिया गया ढांचा था, कल कारखाने नहीं थे, उद्योग नहीं था, हम इससे पहले भी करीब करीब विदेशी ऋण पर ही आश्रित थे और अब उसको हमने धड़ल्ले से बढ़ाना शुरू किया, विदेशी ऋण को लेना शुरू किया। ये परिवेश है, इसी परिवेश में जो हमारे नेपाल का पिछड़ा हुआ इलाका था, एक नेपाल ही पिछड़ा हुआ देश है, उसमें भी जो पिछड़ा हुआ इलाका जिसे कहा जाता है, वैसे पिछड़ा क्या है, अबरा क्या है, ये भी काफी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है मेरा ख्याल है, जिसे हम लोग वे बड़े लोग कहते हैं जिनके पास सड़क नहीं है, जिनके पास आधुनिक सुविधाएं नहीं है, उस पूरे इलाके को एक तरह समझ मान लिया गया कि देर सवेर बाजार व्यवस्था वहां पहुंचेगी, फिर वहां सभ्यता अपने आप पहुंच जाएगी, आधुनिकता अपने आप पहुंच जाएगी,
हुआ यह कि वहां सभ्यता और आधुनिकता पहुंचने के पहले माओवादी पहुंच गए, ये किसी ने देखा नहीं कि वहां सभ्यता के पहुंचने के पहले माओवादी पहुंच गए। और उस जिले का नाम था रोलपा, दूसरे का नाम था डोलपा, हाँ, तीसरे का नाम था अछाम, चौथे का नाम, ये खास इलाका जो इलाका हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, उसी को उन्होंने अपना अपनी राजधानी बना ली, हार्टलैंड बना ली। आपके यहाँ ये आदिवासी इलाके के साथ हुआ है, हमारे यहाँ कर्णाली अंचल नाम का अंचल जहां लोग चावल नहीं देख पाते हैं और जिनके लिए चावल खाना, जिनके लिए चावल पाना और चावल खाना हम राजनेताओं के लिए ब्लू लेवल पीने के बराबर होता है, उसकी के जो शौकीन लोग समझेंगे, उसी तरफ का है, साल में एक बार दो बार चावल खा लिया, इस टाइम की स्थिति होती है। तो उस इलाके में माओवादी पहुंच गए, आधुनिकता से तेज रफ्तार इनकी रही और इन्होंने वहां एक क्षेत्र बनाना प्रारंभ किया। और इस बीच हम क्या कहते हैं, डोनर देशों के, दात्री देशों के, दात्री संस्थाओं के चक्कर लगाते रहे। कुछ इसमें मजबूरी भी थी और कुछ संकल्प का भी अभाव था, मगर इससे भी ज्यादा मैं समझता हूं एक दृष्टि का भी अभाव था। और दृष्टि के अभाव के बारे में मेरा ख्याल है आप सब लोग उतने ही पीड़ित हैं कि आज नेपाल में दृष्टि, हिंदुस्तान में दृष्टि के अभाव की थी, हमारा भला क्या होगा। और फिर दूसरी बात, जो संसदीय दल व्यवस्था का हमने प्रयोग किया था, उस संसदीय व्यवस्था में, अब संसदीय व्यवस्था की जो भी खूबी विरायत में है, हमने जब उसको इम्पोर्ट किया यहां नेपाल में, तो भारत में इम्पोर्ट होने पर क्या हुआ इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, खुद आप जानते हैं। हमारे यहां जो इम्पोर्ट किया गया था वो इम्पोर्ट तो हो गया, मगर जैसे एक बार चाय के प्रसंग में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है कहीं अपने पत्रों में गुब्बारे खातिर में, चीन से चाय भारत जरूर आ गई, मगर वो चाय जब यहां आई तो चीन की चाय नहीं थी। बहरहाल अंग्रेजों ने तय किया कि हम दूध और चीनी डाल के पियेंगे, फिर तुम दूध और चीनी डालो तो कुछ भी पी सकते हो, चाय क्या पीते हो। ये जवाहरलाल जी की चाय पर मौलाना आजाद ने टिप्पणी की थी, उनके पत्रों में मिलता है, जेल में जब साथ साथ थे अहमदनगर के लिए आ गए। उसी तरह हमने संसदीय व्यवस्था तो पर आया, किंतु संसदीय व्यवस्था को अगर बेलायत से तुलना करें, इंग्लैंड से तुलना करें, कहीं कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि बेलायत में तो एक संसदीय दल का नेता चुनाव हार जाता है तो 45 साल की उम्र में, 46 साल की उम्र में, कुछ थोड़ा पब्लिक ओपिनियन के चलते, कुछ अंदर की नैतिकता के चलते, कुछ परंपरा के चलते, कुछ उदाहरण के चलते, कन्वेंशन के चलते छोड़ देता है। निर्गिनों को छोड़कर चला गया, ये जो टॉनी प्लेयर था उसका टर्म पूरा करने के पहले चला गया, उससे पहले भी लोगों को छोड़े हुए बड़े सारे उदाहरण है। हमारे यहाँ तो हर नेता कसम खा के बैठा है जब छोड़ेंगे तो आर्य घाट ही जाके छोड़ेंगे। आपके यहाँ वो निगम बोध घाट कहलाता है, आपके यहाँ वो निगम बोध घाट कहलाता है। और हमारे यहाँ सीधा साधा है कि पार्टी में सबसे वृद्ध जो है वही सबसे बड़ा नेता होगा, और मुझसे भी कुछ ज्यादा बूढ़े हैं इसलिए मैं नेता नहीं हूँ, समस्या मेरी है। ये हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है, थी और है। हमारे पार्टी का जो भी सभापति रहा, जब से रहा, सबसे बुरा आदमी रहा। हमारे पितृतंत्र है, वृद्धतंत्र है, अगर हम उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। ये चार पांच चीजों का बड़ा भारी खिचड़ी, चार पांच चीजों की खिचड़ी की, मार्केट पर भरोसा, आधुनिकता पर भरोसा, नेतृत्व की पितृवादी शैली, और वो जो पुराना तंत्र था जिसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो राणाओं के जमाने से था, राजाओं के जमाने से था, उनकी पवित्र निरंतरता, किसको छू नहीं सकते आप, चला नहीं सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर जो राजा के जमाने की आर्मी थी, क्योंकि आज का एक प्रॉब्लम ये भी है, नेकपा माओवादी बार बार कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, आप राजा की सेना को एट 80 रखना चाहते हैं, और हमने लड़ के आपके साथ लड़ के कंधे में कंधे मिला के पैरेलल सेना बनाया है, उस सेना को कुछ आप कंसेशन हिदायत दीजिए, क्या हिदायत नहीं रियायत दीजिए कहता हूं, आप नहीं मानते हैं तो ये कैसे होगा।
एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज यहां अटका हुआ है कि माओवादी के पास एक पैरेलल आर्मी है और हम उस आर्मी को जो आपके यहां जैसे ब्रिटिश आर्मी थी चाहे ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी उस आर्मी के बारे में हमारी पार्टियां मेरी पार्टी खुद ने पहले कांग्रेस मानती है अरे बाप रे बाप इस आर्मी को हमने कुछ ऊपर नीचे किया इस आर्मी की प्रमोशन वगैरह में हम डिस्टर्ब किया ये आर्मी हमारे साथ रहेगी तो क्या रहेगा नहीं रहेगी तो क्या रहेगा एक पेचीदा सवाल है मैंने आर्मी का एग्जाम्पल दिया मगर बाकी तमाम तंत्र तो सिर्फ राजा हट गया मगर राजा जिन संस्थानों को राजा ने संरक्षण दिया था इंस्टीट्यूशंस को और जो इंस्टीट्यूशंस तब राजतंत्र को संरक्षण देते थे उनको आज की तारीख हम सब लोग दे रहे हैं ये चार पांच सवाल है और इन तंत्रों ने पिछले 20 सालों में भी वही किया था हमारे यहां मेरा ख्याल है जहां तंत्र भ्रष्ट रहता है तो माओवादी पुष्पित पल्लवित होते हैं आपके यहां भी तंत्र है माओवाद उत्पादन करने में और विस्तारित करने में हमारे इतना कारगर तंत्र शायद आपके यहां न हो मगर अंग्रेजों जमाने का तंत्र आपके यहां भी जीवित है ये चार पांच चीज का मिला जुला चीज हमारे यहां है आपके यहां जरा कुछ वो कह रखा है कि पितातंत्र अपेक्षाकृत कम हो गया है पितातंत्र अपेक्षाकृत कम हो गया है बहरहाल बाकी चीज सिर्फ कम कहा मैंने अनुपस्थित नहीं कहा हमारे यही सिचुएशन है ये हुआ पहलू का एक पक्ष दूसरा पहलू है हमारे डीपी त्रिपाठी जी हैं मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं इधर विजय प्रताप जी को दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त मेरा इनके साथ गुजरता है लंबे समय से तो पिछले दिनों जब माओवादी की वकालत करने की बात हुई तो माओवादी के सबसे बड़े वकील हमारे मित्र डीपी त्रिपाठी थे और ये और सितारा भी चुरी टेलीविजन में छाए हुए थे पता नहीं यहाँ छाए न थे नेपाल में तो छाए हुए थे हमारे पार्लियामेंट में गए उससे पहले गए बाद में गए मेरा ख्याल है यहाँ नागरिक लोगों में सबसे पहले प्रचंड इनके ही घर में गए इनसे मिलने के लिए समाचार में आया सब कुछ हुआ तो उन दिनों मैंने इनको कहा था कि ये क्या बात है क्यों ऐसे प्रचंड वगैरह से आपकी दोस्ती हो तो उन्होंने कहा देखिए इनको लाना भी है मूलधार में डेमोक्रेटाइज भी करना है मगर एक और बात है मैं क्रांतिकारी हूं मैं मार्क्सिज्म लेनिनिज्म अभी भी श्रद्धा रखता हूँ पहले एक मार्क्सिस्ट पार्टी में भी हुआ करता था उनके अंदर के अंतांतरिक तरीके से अब छूट होकर के कांग्रेस में चला आया क्रांतिकारी हूँ तो एक शब्द है आप जान लीजिए हाजी बम्बई क्या कहा हाजी बम्बा तो मुसलमानों में हज करने को जाने को बड़ा महान कार्य माना जाता है तो हमारे कुछ भाई बम्बई जाते हैं जिन गाड़ी रुक जाती है कुछ हो जाता है टिकट का पैसा नहीं पहुंचता है जहाज में सीट नहीं मिलती लौट के चले जाते उनको गांव घर में हाजी बम्बा कहा जाता है तो उन्होंने कहा मैं हाजी बम्बा हूं त्रिपाठी जी ने कहा मैं अपने मुल्क में तो क्रांति कर नहीं सका आपके मुल्क में क्रांति करके एक निष्कर्ष पहुंचाते हैं तो मैं इनको साथ दूंगा तो हमारे हाजी बम्बा लोगों ने काफी दिनों तक माओवादी को साथ दिया तो साथ देने में क्या था कि माओ यहाँ के बुद्धिजीवियों का हमारे यहाँ के बुद्धिजीवियों का हम जैसे बुद्धिजीवियों का यहाँ के तंत्र के प्रति अविश्वास यहाँ के नेताओं के प्रति संदेह वो संदेह स्वस्थ संदेह है शायद ऐसे अर्थव अस्वस्थ संदेह भी नहीं कहूंगा तो लगा कि नई ताकत आ रही है कुछ मसीहाई जैसा अंदाज में आ रही है ये जो प्रचंड आ रहे हैं बाबूराम आ रहे हैं वगैरह वगैरह आ रहे हैं क्रांति की बात कर रहे हैं और प्राइवेटली हम लोग कह रहे हैं कि हम भी अब डेमोक्रेट हो गए और कहते थे और उन्होंने दस्तावेज में लिखा एक 21वीं शताब्दी का जनवाद कैसा होगा इस पर पार्टी का फैसला उनका सबसे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट जो है जनवाद ही लिखा है लोकतंत्र नहीं लिखा है 21वीं शताब्दी के जनवाद की रूपरेखा ये उनका सबसे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट इसके बाद उन्होंने हम लोगों से हाथ बढ़ाया लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों से कुछ मुझ से बहुत बार संवाद किया था मिलकर संवाद किया था टेलीफोन संवाद किया तो कहते देखिए प्रदीप जी इतना हम भी समझते हैं सोवियत यूनियन फेल हो गया 1990 और चीन भी पूरी पूंजीवाद के रास्ते में चला गया माओ चाहे जो कुछ करना चाहते हम न चीन की जैसी व्यवस्था करना चाहते हैं न रशिया की जैसी व्यवस्था करना चाहते हैं सोवियत रशिया की जैसी हम नेपाल में सचमुच नहीं व्यवस्था करना चाहते उन्होंने मुझे कहा
उस नए व्यवस्था को कैसे बनाया जाए आइए मिलजुल के बात करें। बहुत बार प्रचंड और बाबू राम ने कहा मेरे पास कोई रूपरेखा नहीं है, आइए हम लोग मिलकर रूपरेखा बनाए। मुझे कहा और दस आदमी के बीच में कहा, यह दिल्ली में कहा, सिर्फ हम तीन आदमी नहीं थे, उन दिनों कहा जब भूमिगत थे, दिल्ली में ही भूमिगत थे, मेरा मतलब है इनसे भी भूमिगत जमाने में मिल रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि शायद अब वो ठीक कर रहे हो, और हम लोग भी थोड़ा परेशान थे खुद क्रांति न करवाने के चलते, खुद अपने नेताओं की क्रियाकलाप के चलते। हम लोगों ने चलो चलो ये नई क्रांति करेंगे, चलो हम लोग सवार हो जाते हैं ट्रेन में, नाव में, वगैरह वगैरह में। लेकिन इस पिछले चुनावों में उनको अप्रत्याशित सफलता मिली, कम से कम उनके अपने आकलन से बहुत ही ज्यादा। चुनाव के पहले वो बार बार कहते थे हमको 20% सीट से कम मिलेगा, 20% वोट से कम मिलेगा, हम मानेंगे कि इलेक्शन रिगिंग हुई थी, उनका कहना था प्राइवेट में पब्लिक में। लेकिन उनको 29% सीट मिल गया, 29% वोट्स मिल गए, उनका 29% वोट्स थे उनके पास कुल मतदाताओं के, जो गिरी हुई मत संख्या है, मगर सीट उनको और ज्यादा मिल गया। सीट का गणित कुछ ऐसा है वहां कि वोट की तुलना में सीट बढ़ जाता है, उनके पास सीट करीब करीब 40% हाउस में। और ये देख करके हमारे बाकी दलों के जो नेता हैं संज्ञा शून्य हो गए। एक उनमें जीत का उन्माद और हम में पराजय का उन्माद तो न कहा जाए, उसे क्या कहा जाए, हम निराशा, बहुत बड़ा ही निराशाजनक शब्द होगा यहाँ, कुछ और खतरनाक शब्द ढूंढना होगा एकदम अवसाद, उससे भी कुछ निराशा ढूंढना होगा। तो लगा कि जैसे दोनों अपनी अपनी तरह से गर्द मूड हो गए दोनों पक्ष, और ये जो पुरानी वचनबद्धता थी कि मिलजुल के रास्ता ढूंढेंगे, एक आया को तेवर बदल गया। संसदीय दलों ने सबक लिया, नहीं नहीं इनके साथ बहुत ज्यादा जहां सब उचित नहीं है, हमारी पार्टी ने तो उनके साथ सरकार बनाने से इंकार कर दिया। उन्होंने सबक लिया, जब जनता इतनी तैयार है कि 40% दे दिया, एक बार अंतिम धक्का अंतिम छलांग लगाओ तो शायद हम वही व्यवस्था बना ले जो कॉमरेड माओ चाहते थे। ये बुनियादी बात गहरा शुरू किया, और इस जीत और इस हार के बाद ही नेपाली राजनीति के डगर डगमगाने लगे, नेपाली राजनीति के याद रखना बहुत जरूरी है। और माओवादी बिल्कुल बेलाक बिना संकोच कहने लगे अब हम व्यवस्था वही बनाएंगे जो मोटे तौर पर चीन में था, चलिए चीन में ना सही जो रसा में था। उनके दस्तावेजों से साफ साफ आपको पता चल जाएगा, प्राइवेट कन्वर्सेशन पता चल जाएगा, अगर आप उनसे सैद्धांतिक स्तर बात करें, सोवियत यूनियन में 1917 से बोल्शेविक क्रांति से के बाद, सोवियत क्रांति के बाद उन लेनिन के डेथ तक, 1924 में लेनिन का डेथ हुआ, 1922 अंतिम कांग्रेस था जहां उन्होंने भाग लिया था, 1922 का कांग्रेस, तो 24 तक उनकी डेथ ही को मान लिया जाए, 7 साल की जो अवधि है उस समय माना जाता है कि रूस में, बल्कि प्रारंभिक चरणों में तो माना जाता है उनकी काफी विरोध की छूट थी, विरोधी अखबारों को निकालने से भी सोशल रेवोल्यूशनरीज बोल्शेविक ये जो है प्रारंभिक दौर में काफी आजादी महसूस करते थे। बार बार वहां के जो पढ़े लिखे लोग हैं माओवादियों के, वो बताते हैं हमको, प्रदीप जी क्यों गलत फहमी है आपको, और हम तो वो दौर करना चाहते हैं जो कि 1917 से 1924 में रसामे था। ये बुनियादी बात है। तो मल्टी पार्टी की बात करते हैं, उनका मल्टी पार्टी है वर्किंग क्लास की मल्टी पार्टी, जैसा उनका कहना है भारत की जो मल्टी पार्टी है, अमेरिका की जो मल्टी पार्टी है, बेलायत की जो मल्टी पार्टी है, वो मल्टी पार्टी कैपिटलिस्ट क्लास की मल्टी पार्टी है। ये बिल्कुल सीधा साधा है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट से जाता है, जो कहता है हर स्टेट एक क्लास होती है, हर स्टेट एक डिक्टेटरशिप होती है। तो उनका वर्किंग क्लास और पेजेंट्री की मल्टी पार्टी की बात तब भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, ये आज की तारीख आइडियोलॉजिकल पोजिशन है, बहुत क्लियर है। इस आइडियोलॉजिकल पोजिशन के बारे में उनमें और भारत के माओवादियों में, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, इस आइडियोलॉजिकल पोजिशन के बारे में उनमें और माओवादी पार्टी में कोई बुनियादी फर्क नहीं है।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मैं उनके चाहे तो आप लोग उनके डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंसिवली कोट कर सकता हूं, आप उनके उनका अंतिम ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट जब उन्होंने हम लोग के साथ काम करने का निर्णय लिया, चुंगबांग दस्तावेज कहा जाता है, वो आपको इंटरनेट में उनके राइटिंग में मिल जाएंगे, वो उनके माओविस्ट कहकर चले जाइएगा, गूगल में कहीं मिल जाएगा। उन्होंने क्लियरली लिखा इस बात को, उन्होंने मैं उनकी इस मामले में उनको मैं धन्यवाद देता हूं, इसी राज्य को उन्होंने छिपाया नहीं। इसके बावजूद हमें से अधिकांश लोग ये मानते रहे नहीं, ये एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक पार्टी है, नॉर्मल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है तो नॉर्मल कम्युनिस्ट पार्टी है, उनका मानना था सीपीआई के दूसरे संस्करण है, सीपीएम से अधिक दूसरे संस्करण है सीपीएम के, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इससे भी आगे बढ़ना है तो दीपंकर भट्टाचार्य वाले है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो उनका कोई रिश्ता इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी माओस्ट की तरह हो सकता है, अथवा पीपुल्स वार उद्वेगी हो गए कि तो हो सकता है, ये हमने कभी भी नहीं सोचा। हमने माने हमारी पार्टी ने, हमने माने हमारे लीडर्स ने। कुछ ही लोग उनके इरादों के बारे लिखते रहते थे, इंगेज होते रहते थे, बात करते रहते थे, जिनमें शायद एक मैं भी हुआ करता था, और मैं भी। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। आज उनकी पार्टी की स्थिति बड़ी साफ है, धीरे 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 उनकी पार्टियों में ये जो जिसको कहा जाए जनवादी व्यवस्था, उसे वो जनवादी व्यवस्था कहना पसंद करते हैं, जिसे हम एक गली व्यवस्था कहते हैं, वो कभी एक गली नहीं बहुदली है, उनका करीब करीब वर्चस्व हो गया है। प्रचंड और बाबूराम भट्टराई जो वहां डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पक्ष में पहले आर्ग्यू करते थे, और हम लोगों से जिन लोगों ने बातचीत किया था उन्हीं लोगों ने शायद त्रिपाठी जैसे बात किया होगा, अथवा त्रिपाठी जैसे मित्रों के जरिए भारत सरकार से भी बात किया होगा, वो अभी स्पष्टतः अत्यंत कमजोर है, और वो लड़ाई उनके अंदर कल होगी। कल उनकी सेंट्रल कमेटी की बैठक है, सेंट्रल कमेटी की बैठक में शायद इस सवाल पर सबका ध्यान केंद्रित हो, निर्णय केंद्रित हो, क्या इस संविधान सभा की आयु बढ़नी चाहिए? एक धारा बिल्कुल स्पष्ट है, ये नहीं बढ़ेगी। ये क्या होता है रूल ऑफ लॉ, ये क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब पूंजीवादी चोचले हैं। दूसरी धारा स्पष्ट है और वो धारा जरा दबी हुई है, प्रतिरक्षात्मक है, कमजोर है, अभी हमें कुछ समय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही चलना पड़ेगा। तो दूसरी धारा की प्रकृति प्रचंड और बाबूराम दिखते हैं, बाबूराम ज्यादा प्रचंड कम, लेकिन दूसरी जो धारा है वो साफ साफ कहती है नहीं। और दूसरी धारा के जो अखबार हैं उनका एक डेली अखबार है जिसका नाम है जन दिशा, एक साप्ताहिक अखबार है जिसका नाम है जनादेश। मैंने आज का जन दिशा, आज की जन दिशा मैंने नहीं पढ़ा है, कल का भी नहीं पढ़ा है, पिछले दो दिनों से मैं बिना पढ़े कह सकता हूं कि संपादक की पढ़ी, उन्होंने भारतीय माओवादी कॉम्रेड को बधाई दिया होगा, बगैर पढ़े कह रहा हूं, क्योंकि इससे पहले दिया करते थे। हर बार जो माओवादी हरकत होता है उस पर वहां के अखबारों में उनके मुखपत्र में छपता है और कहते हैं हमारे जो भारत के माओवादी कॉम्रेड शानदार लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ हम अपनी ऐक्यबद्धता जाहिर करना चाहेंगे, कहीं उसमें उन्होंने दो मुई बात नहीं की है। मगर फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल में भी है, हिंदुस्तान में भी है, जो ये मानना नहीं चाहता है, कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या होगी, जानना नहीं चाहता है कि वह उस माओवाद के प्रति बिल्कुल निष्ठावान है जो कभी माओ की जिंदगी में हुआ करती थी, स्टालिन की जिंदगी में हुआ करती थी, पंडित जी की जिंदगी में हुआ करती थी। अभी हम लोग यहां बोलने आए, बात करने आए, इससे पहले कुछ मित्रों से बात हो रही थी। अभी आपके यहां का माओवाद बहुत चर्चा में आया है, बल्कि चर्चित पत्रकार विदुषी, बल्कि पत्रकार क्या कहा जाए, विदुषी अरुंधति राय, क्या अरुंधति राय ने, मैंने एक उनका उनकी उनका पूरा का पूरा वो यात्रा विवरण तो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, कुछ आउटलुक में कुछ अंक स्थापित हूँ, 32 पेज 32 आउटलुक का 2 दिन सीरीज पढ़ा। किसी प्रसंग में उन्होंने कहीं और या वहीं, ये कोई नहीं कुछ नहीं हार रहे हैं भारत के माओवादी, ये दे आर गांधी विथ ए गन, ऐसा ही कुछ कहा था, गांधी विथ ए गन। अब ये गांधीयन विथ गन के बारे में मैं क्या, अब यहाँ देवदत्त जी हैं, बाबूलाल जी हैं, क्या बात करूं गांधी और गन के संबंध के बारे में,
स्वयं विजय प्रताप जी से क्या बात करूं गांधी और धर्म के संबंध के बारे में। मैं हैरत हो गया कि ये अंग्रेजी पढ़े लोग कितने बेपढ़े हो सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अंग्रेजी ना कितने बेपढ़े हो सकते, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहने का मतलब है वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हर प्रकार के माओवादी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे माओवादी भी करते हैं, आपके माओवादी भी करते हैं, पर मैं शायद थोड़ा पृथक राय रखता हूं। हाँ, अपनी तरह के डेमोक्रेट वो हैं। खुद मैंने बहुत सारे सेमिनारों में, गोष्ठियों में, नेपाल में और नेपाल के बाहर कहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब वो यहां की वामपंथी, यहां की कुछ बड़े प्रगतिशील कवि जो बनारस के धूमिल थे, कुछ धूमिल का याद, मैंने मेरे आदरणीय मित्र मोहन जी को देखा तब, हम लोग बनारस के दिनों में धूमिल की कविता सुनते थे, याद आया। वहां कहीं उसने लोकतंत्र की परिभाषा अपनी संसद सड़क बड़ा शानदार लोकतंत्र की परिभाषा दी, अभी मैं कोट नहीं कर पाऊंगा, काफी दिन हो गए पढ़े हुए। तो उस कविता का अगर तात्पर्य आपको याद हो तो मैं भी कहता हूं उसी कविता की शैली में, क्या डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव, वोट की आजादी, अखबार निकालना, इतना ही रह गया है? डेमोक्रेसी का रोजी रोटी से कोई रिश्ता नहीं है। एक बहुत ही रोजी रोटी से संबंध न रहने वाले दार्शनिक ने बेलायत में प्रश्न किया था, बर्ट्रेंड रसेल ने, लॉजिकल प्रश्न, कि कितने दिन भूखा रहने के बाद आदमी फ्रीडम चेंज करेगा, इस बार्टर इज फ्रीडम। बल्कि उन्होंने ऐसे कॉन्क्रीट लिखा है, वो बुशल शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, कितने चावल के साथ एक आदमी फ्रीडम बार्टर करेगा, बेचेगा। रसेल का कोटेशन है, किसी तरह कहा है। तो मुझे लगता है एक व्यवस्था, जिस व्यवस्था ने 60 करोड़ लोगों को पीट पीट के ही सही साक्षर बना दिया, फोर्स लेवरी करके खाना दे रहा है 2 जून 3 जून, तो एक जो व्यवस्था माओ ने चीन में बनाया, उस व्यवस्था के कोई सकारात्मक पक्ष नहीं है, मैं मानता हूं है। और ये मैं जानता हूं पोलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, और कुछ पोलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको एड्रेस भी किया है। पोलिटिकल साइंटिस्ट तो नहीं, बहुत बार है भूख की समस्या पर, स्वतंत्रता की समस्या पर अमर्त्य सेन ने बहुत ही विचार उत्तेजक लेख लिखे हैं, जहां वो बताते हैं एक अन्न का अंबार है और दूसरी ओर लोग काम नहीं पाते हैं। समाजवादी परंपरा में कालाहाड़ी की भुखमरी के बारे में किशन पटनायक बहुत लेख लिखते रहते हैं। तो इस मामले में डेमोक्रेसी को सिर्फ एक झंडे का, कुछ इंस्टीट्यूशन का पर्याय बना दिया जाए, इस मामले में मैं मानता हूं कि जो लोग जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके यहां हमारे यहां जो लोग भूख के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन इलाकों के लोग जहां आधुनिकता से पहले माओवादी पहुंच गए, हमारे नहीं चाहते हुए पहुंच गए, नहीं चाहने से भी ज्यादा हमारे बिना जाने पहुंच गए, बिना बताए पहुंच गए, समस्या ये भी हो गई, हम पूछ के जाते तो कुछ और लोग करते, बिना बताए पहुंच गए। इस अवस्था में कैसे एक नई व्यवस्था का जन्म, इस समस्या से नेपाल सैद्धांतिक रूप से आज लड़ रही है, मैं सैद्धांतिक रूप से कह रहा हूं, और उसकी परीक्षा कल होगी माओवादियों के सेंट्रल कमिटी में। कल माओवादी मेरी वो जो लोग जीतेंगे तो वहां एक प्रकार से चीन की व्यवस्था का प्रयोग होगा, अच्छा लगे आपको बुरा लगे यही दिखाई पड़ रहा है। अगर मान लीजिए दूसरी व्यवस्था जीतती है तो नेपाल में नई व्यवस्था का जन्म हो सकता है, उनके अंदर की लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है, उनके अंदर एक धारा है जो धारा हम संसदवादी दलों से, गांधीवादियों से बातचीत करना चाहती है, लेकिन वह धारा इस समय दुर्भाग्यवश अत्यंत कमजोर दिखती है। उस धारा के साथ वक्त में ही सहकार्य और संवाद करके उस धारा को रास्ते में लाया जा सकता, उस तरह कोशिश हुई होती, उसे जैसा अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा, राजनीतिक संवाद में आप लाते समय में पत्रकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, चंद्रशेखर जी के जैसे व्यक्तियों के शख्सियत के प्रयासों के द्वारा, जयप्रकाश जैसे सबसे प्रयास के द्वारा, नेहरू जी प्रयास के द्वारा, राजकीय ने किया, डीपी त्रिपाठी जी ने किया, बाकी मित्र भी कर रहे हैं, मगर जितना होना चाहिए था, जिस हद में होना चाहिए था, जिस गहराई में होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। फलस्वरूप माओवाद के अंदर, माओवाद खुद एक अतिवादी आंदोलन है, एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन है, अब एक अति अतिवादी धारा उसके अंदर विजयी की जा रही है, एक अति अतिवादी धारा विजयी होती है, और वह संवाद के सूत्र टूट रहे हैं।
मैं फिर आपको याद दिलाऊं, उन लोगों ने हमारे साथ, हम लोगों के साथ, त्रिपाठी जी के साथ, त्रिपाठी जैसे भारतीय मित्रों के साथ एक सार्थक संवाद आज से 12-15 साल पहले शुरू किया था, अनेक बार शुरू किया था, अनेक बार कहा था, मैं उनको कोट कर सकता हूँ, उनका नाम लेके, तिथि लेके, मिति लेके, मेरे साथ किया था, मेरे जैसे लोगों के साथ किया था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अनेक का नाम लिया जा सकता है। लेकिन बीच में क्या हो गया, वो अत्यंत ज्यादा शक्ति प्राप्त करने से कुछ उनमें भी आ गया कि मैं पुराने रास्ते पर चला जाऊंगा। सत्ता में जब प्रचंड गए, उनके सामने एक बड़ी भारी समस्या थी, सत्ता में तो चले गए, जब सत्ता में चले गए एक उनकी समस्या हुई, लोगों को बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, हर तरह के लोग, एक खेत का किसान से लेकर के शहर का मजदूर से लेकर के तमाम बुद्धिजीवी, हाजी बम्बा टाइप लोग, सारा हमारे यहाँ भी हाजी बम्बा की कमी नहीं उनके साथ थे। ऐसे माहौल में वो क्या करते, प्रधानमंत्री हो गए, शपथ ग्रहण कर लिया, शपथ ग्रहण करने के बाद वो क्या करेंगे, वो जाएंगे कहाँ, उनको भी जाना पड़ा कहा, उन दार्शनिक संस्थाओं के पास, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा हम नेपाल का आधुनिकीकरण करेंगे, उन्होंने क्या कहा, हम पहले नेपाल में पूंजीवाद लाएंगे, उन्होंने क्या कहा, समाजवाद वितरण की व्यवस्था का नाम है, उत्पादन तो होना ही होगा, हम कैपिटलिज्म ही लाएंगे, वही कहा। ये क्या बताता है, अगर कोई, अब मैं बात के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, नेपाल की बुनियादी समस्या थी रोजगार, उन्होंने कहा रोजगार पर ध्यान देने के बजाय कहा हम ग्रोथ रेट ही बढ़ाना चाहेंगे, अब इसका जवाब मैं कैसे दूं, इसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही तथ्यों का बात नहीं, ग्रोथ रेट बनाम बेरोजगार की झगड़ा शुरू होगी, थ्योरेटिकल बात हो जाएगा। बहरहाल गाड़ी उनके पास वही थी जो पिछले प्रधानमंत्री के पास थी, टेबल उनके पास वही था जो पिछले प्रधानमंत्री के पास था, पोशाक उनकी और भी भड़कीली थी, बल्कि उनके बारे में चला कि उन्होंने अपने बिस्तरा मंगाया चाइना से जो 2.5 लाख का था, क्या बिस्तरा, उनके कलम पर चर्चा होने लगे, लेटेस्ट माउंट ब्लैंक जो दुनिया में एक ही या दो बिकती उनके पास थे, उनके बेटे के पास गाड़ी आ गई, बेटी के पास आ गई, चमचों के पास आ गए, चमचे की संख्या बढ़ गई, तमाम राजाओं के चमचे उनके चमचे हो गए, उनके तमाम सलाहकार वही हो गए जो राजा के सलाहकार थे, अथवा नेपाली कांग्रेस सलाहकार थे, यूएनओ के सलाहकार थे, और वो कोई कहता था तो कहते थे नहीं भैया व्यवस्था तो ऐसे ही चलती है, माने बिल्कुल व्यवस्था के वो अंग हो गए। मुझे लगता है कुछ अर्ध पागल गांधीवादी उनकी जगह होता है, वैसे सब गांधीवादी आज के दौर में तो अर्ध पागल हो गई मेरा ख्याल है, और वो कहीं मंत्री प्रधानमंत्री होने की गलती कर बैठता, जरूरत कर बैठता, तो कुछ नहीं तो कुछ चाल ढाल शैली वो तो बदलता ना, उन्होंने कुछ नहीं बदला, आधुनिकीकरण को अंतिम मानदंड मान लिया था, सिर्फ रास्ते का बदलाव था, पूंजीवाद यानी अमेरिका अलग रास्ते से पूंजीवाद को जा रहा था, या कुछ बहुत सारे लोगों को भूखे रख करके प्रेस की आजादी दे रहा था, सोवियत यूनियन काम करा के खाना दे के प्रेस की आजादी छीन रहा था, ये जो दो सिस्टम है जो प्रोडक्टिविटी को ही प्रमुख चीज मानते हैं, प्रचंड इसके शिकार थे, उनके पास तीसरा रास्ता नहीं था, लंबे समय से तीसरे रास्ते की चर्चा की, वकालत की, मगर उनके पास तीसरा रास्ता का अभाव था, और उनको तीसरा रास्ता बताने के लिए उनके पास न जयप्रकाश थे न लोहिया थे, गांधी की तो भाषा भी वो नहीं समझते, ये समस्या थी मेरा ख्याल है। और आज उनके साथ समस्या है, प्रधानमंत्री जो 9 महीना हुए हो तो वो एक जैसे अंधे सुरंग में, अंधकार में सुरंग प्रवेश किए, और नेपाली कांग्रेस से हटके कोई पॉलिसी नहीं दे पा रहे थे, यूएमएल से हटके कोई पॉलिसी नहीं दे पा रहे थे, और 9 महीने में उनकी पार्टी के अंदर व्यापक संतोष हो गया, वो अपनी पार्टी की नजर में असफल प्रधानमंत्री हो गए। याद रखिएगा उनको हमने इस्तीफा नहीं मांगा था, हमारी पार्टी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, उनके साथ इस्तीफा उनकी पार्टी ने मांगा था, और ये कहा कि मांगा था इस व्यवस्था में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने पहले क्या किया, पशुपतिनाथ के भट्ट को हटाना चाहा, वो नहीं हट सका, अब जानते हैं उन्होंने खेलकूद के नियमों को, खेलकूद का एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जो स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह होती है, आपके आईपीएल की तरह शानदार नहीं है मगर ऐसे ही कोई संस्था है, उसके नियमों को बदलना चाहा, उसका नियम भी नहीं बदल सके, फिर वो ऐसे छोटी मोटी नियम बड़ा सारा मशक्कत करते रहे, ये बदलने का वो बदलने का, हर बार सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाती, रूल ऑफ लॉ नहीं है और ऐसा नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं किया,
अरे क्रांति के सामने रूल ऑफ लॉ क्या होता है भाई? मोदी हो जाए आर्मी के चीफ बदल चले गए, वहां जाकर फौजी ने हो गया, उनके दलों ने जो उनके साथ थे, नेपाली कांग्रेस तब भी उनके साथ नहीं थी, समर्थन वापस ले लिया। और नेपाली कांग्रेस समर्थन वापस लेने से पहले ही जो विवाद नेपाली कांग्रेस क्यों सत्ता में नहीं थी, भी शायद बहुत गलत फहमी है, कुछ शर्तों पर सत्ता में नहीं थी, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस स्थिति में आज हम हैं, तो अब एक और उनके अंदर की आइडियोलॉजिकल दुर्विसन भी है जो मैंने बताया। दूसरी ओर जब उनको मौका मिलता है तो अपने आइडियोलॉजी के बंदी होकर उपज कर नहीं पाते, स्थिति आज ये है। और अभी सवाल ये है, आज जो वहां हाउस है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हाउस भी है और संसद भी है, उसकी तिथि मिति बढ़ाई जाए न बढ़ाई जाए, आज के दौर में समस्या 7 दिन है, तो 7 दिन कम नहीं होता है। वो प्रसिद्ध उक्ति है विलायत की किसी राजनीतिज्ञ की, ए वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। और आज से 3 दिन पहले मैंने काठमांडू में एक बयान दिया था कि ए वीक इज अ लॉन्ग टाइम जो अलग बात है, मतलब माओवादी मित्रों को आगाह करना चाहता हूँ, 10 days that day world, that shook the world, नरसिंह जी पूछूंगे तो मैं कहा इस बार वर्ल्ड तो ना सुख करें, लेट देम नॉट शेक द वर्ल्ड दिस टाइम, लेट देम जस्ट शेक देमसेल्फ अप, इस 10 दिन में आप अपने को बदल जाइएगा, आह्वान किया। तो ऐसे माहौल में नेपाल आज है। अभी वो धमकी दे रहे हैं कि अगर माधव नेपाल ने इस्तीफा नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो हम एक बार सड़कों को फिर खतरनाक बना देंगे, रतरंजीत कर देंगे, ये उनकी शैली है। और माधव नेपाल का कहना है मैं भी बड़ा पुराना कम्युनिस्ट हूं और बंदूक के नोक पर इस्तीफा नहीं दूंगा, तुम ही कम्युनिस्ट हो, हम भी कम्युनिस्ट रहेंगे और आज भी कम्युनिस्ट हैं, आज भी माधव नेपाल की पार्टी का मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाम है, ये दो शब्द इस पर भिड़े हैं। और हम लोग यूनाइटेड। अब ये अभी बैंकॉक में एक परिदृश्य देखा आपने, बैंकॉक में परिदृश्य देखा, दो ताकतें अपने तर्कों को लेके अथवा कुतर्कों को लेके, अपने आग्रह को लेके, दुराग्रह को लेके, पूर्वाग्रह को लेके लड़ रहे थे, तुरंत मिशन आप आ गई सड़क में, उसी तरह इन दोनों की तर्क है। मुझे सच पूछिए तो बहुत सारे तर्क समझ में नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर रखने का बदलने का एक तरीका है, विधि विधान तो तरीका है, वो कहते नहीं नहीं तुम इस्तीफा दे दो, उनको पूछिए आप क्यों इस्तीफा दें, वो कहते क्योंकि आप कठपुतली सरकार है, आपकी कठपुतली की डोर इस सरकार की डोर दिल्ली में है, बार बार उनका ही कहना है तुम इस्तीफा दे दो। तो इस तरह के कुतर्क उनके हैं। तो मैंने दिल्ली का जिक्र किया, पता नहीं क्या हो गया है पिछले साल से, आप लोगों को यहाँ कितनी जानकारी मिलती, कितना इतनी सूचना मिलती है मुझे नहीं पता, और चूंकि आप नेपाल की डेमोक्रेसी बात कर रहे हैं तो मुझे इस पर केंद्रीय तौर पर बात करना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, केंद्रीय बात मैं कर चुका हूं। बार 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 वो एक ही चीज की बात करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी अब माओइज्म भी नहीं रह गई, मैं इसको सब्सटेंशियल कर सकता हूं, उनकी सब एक ही आइडियोलॉजी रह गई एंटी इंडियनिज्म। इसको मैं ज्यादा जोरदार ढंग से कह ही नहीं सकता, पिछली बार सत्ता से हटने के बाद उन्होंने पहले ही दिन कहना शुरू किया, अब वो सिन में विलन वगैरह कहता ना, अब आई खेल का मजा, तो ऐसे ही शैली में उन्होंने कहा हिंदुस्तान से हमारा रूबरू मुकाबला हो गया, अब हम इनसे लड़ेंगे, और उस दिन से उनका लड़ना उठना जारी है। और कहते हैं नहीं नहीं माधव नेपाल कौन अपने बल पर टिक रहा है, इसको तो फू कर दिल गिर जाए, वहां वाले कर रहे हैं अब उनसे भी लड़ना है, लड़ेंगे। ये जो एंटीनिज्म है हमारे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने यहाँ इस कमरे में